हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, आज हम बात करेंगे रुसवाई के लेटेस्ट टीजर के बारे में। यहां पर आपने देखा कि हमजा जो है वो वर्दा को तलाक देने वाला है या तलाक दे चुका है। बहुत सारे लोग होंगे कंफ्यूज, आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि भैया ड्रामा किस तरफ जा रहा है, यहां पर क्या कंपटीशन चल रहा है किसी चीज का। तो क्या हमजा वर्दा को तलाक देगा या नहीं, वैसे क्या लगता है आपको, जल्दी से बताया नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज मैं आपको काफी लॉजिक के साथ बताऊंगा कि आगे से आपको क्या दिखाया जा सकता है। वैसे यार मुझे समझ नहीं आई कि काफी ज्यादा ना आपको ये इमेजिनेशन वाला प्रोसेस दिखा के ट्रोल करते हैं लोग। ऐसे कैसे होता है कि यार आपको एक ख्वाब दिखाया और उसके मिड में ला के एपिसोड को खत्म कर दिया और फिर उसी की बेस के ऊपर इन लोगों ने टीजर को भी कैश किया और हम लोगों को कितना पागल बनाया। यहां पर आई टोटली एक्सेप्ट कि भैया यहां पर मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो हुई गलत साबित। यहां पर मुझे ऐसा लगता था कि ये ख्वाब नहीं होगा, वो वाकई लाइव जाकर उसको इस तरह से डरा कर उसको ये सबक देने की कोशिश करेगा कि किसी की तकलीफ में आप खुशियां मनाओ तो कैसा फील होता है। एनी हो, लेकिन ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि अगले एपिसोड में समीरा के बाप की डेथ हो जाएगी, तो भैया इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहां पर आप लोगों को ये भी आज बताऊंगा कि आज के एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था, ये तो बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आज के एपिसोड का ऐसा कौन सा सीन था जिसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और आज के एपिसोड में एक डायरेक्शन की मिस्टेक भी मुझे नजर आई है। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का रिव्यू। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @NOMAN ALEEM, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमजा अगली एपिसोड में वर्दा को डाइवोर्स दे देगा या नहीं देगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, लेकिन भैया मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जिस टाइम आपको ये दिखाया जाएगा कि वर्दा का बाप भी आता है यहाँ पर ताज़ियत के लिए, डेफिनेटली उसके दोस्त की डेथ हुई है तो उसका आना बनता था। लेकिन हमजा को और उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वर्दा की वजह से हो रहा है। चूँकि वो गई थी अपने भाई की शादी को अटेंड करने, तो इस वजह से बाप ये तकलीफ सह नहीं सका। जबकि अंदर की बात समीरा की माँ को बहुत अच्छे से पता है कि उनको किस वजह से लास्ट मोमेंट में ज़्यादा तकलीफ थी। खैर होगा ये कि हमजा को देख के काफ़ी आएगा गुस्सा कि भाई ये यहाँ पर क्या लेने आए, जब हम काफी दफा इनकार कर चुके हैं कि हमसे रहें दूर। तो भैया वो करेगा ये कि अपनी बेगम को उसके बाप के साथ भेज देगा और कहेगा कि प्लीज आप इसको ले जाओ, मैं अब इसको इस घर में मजीद नहीं देख सकता, इसकी वजह से इस घर में जनाजा उठा है, मेरे बाप की डेथ हुई है तो मैं इसको मजीद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो काफी भीख मांगेगा यहां पर, हाथ जोड़कर कहेगा कि प्लीज तुम मेरी बेटी को रख लो, इसको खुश रखो, इसको किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो। लेकिन हमजा का गुस्सा आगे से इतना ज्यादा होगा कि वो भी इसी चीज में बेहतरी समझेगा कि अभी इस टाइम मैं अपनी बेटी को इसके घर से ले जाऊं। अब जब वो अपनी बेटी को लेके आएगा मतलब घर में, तो यहां पर वर्दा की मां सबसे पहले चीखेगी चलाएगी कि क्यों उन्होंने ऐसे भेजा, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं सबके जाके गिरबान पकड़ूंगी। लेकिन बाप जो होगा यहां पर वर्दा का वो सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। मजे की बात यह है कि हमजा का एकदम से वाकई मूड बन जाएगा कि मैं अब उसको तलाक दे के एक दफा यह किस्सा खत्म करता हूं, यहां पर हमारी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां देख ली हैं। लेकिन समीरा मैदान में उतरेगी और वो ये कहेगी कि नहीं तुम्हें तलाक नहीं देनी, तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें आगे जाके बदनामी हो या तुम्हें जिल्लत का सामना करना पड़े, तुम प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। अंदर की बात का अभी तक हमजा को नहीं पता कि उसके बाप को लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा पेन किस वजह से थी, और यह हो सकता है कि अगली एपिसोड में शायद समीरा खुद बोलकर बताए या मां बता दे इसकी कि तुम्हारे बाबा ने हाथ जोड़कर समीरा से माफी मांगी थी कि प्लीज बेटी मुझे माफ कर दो, लेकिन समीरा ने माफ नहीं किया, इतनी पत्थर दिल हो गई थी कि वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने की वजह से इस दुनिया से चले गए। इस बात का जब हमजा को पता चलेगा तो हो सकता है कि वो अगली या उससे अगली एपिसोड में वर्दा को खुद लेने आए और यहां पर हो सकता है कि उसे तलाक देना तो दूर बल्कि उससे माफी भी मांगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमजा का ये डिसीजन होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के एपिसोड का ना एक ऐसा सीन था जिसको देख के मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि यार कैसे, कौन सी दुनिया की ऐसी बेटी है कि बाप हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हो। यहाँ पर एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं, जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ मैं कहूँगा कि समीरा के बाप ने बहुत सारे पॉइंट्स पर माफ़ी मांगी और लास्ट एपिसोड में तो मतलब अखीर ही होगी जिसको हम कहते हैं कि हाथ जोड़कर बाप रोकर माफ़ी मांग रहा है और फिर भी किसी बेटी का दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो फिर भी माफ़ ना करे। ये काफ़ी अननेचुरल सी बात थी, मैं तो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस सीन को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, ये वो सीन था। और हाँ
जो मैं कह रहा था कि आज के एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था, कि एटलीस्ट उसका बाप चाहे कोमा में गया लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिस टाइम उसके बाप ने ये फील किया कि उसकी बेटी अब माफ़ी मांग रही है और उसकी बेटी दिल से माफ़ कर भी रही है, तो वहाँ पर उसने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा या हाथ पकड़ा, वो एक छोटा सा मोमेंट ज़रूर था लेकिन उसके फ़ौरन बाद उसकी बाप की डेथ हो जाती है। समीरा एक दफ़ा तो काफ़ी खुश होती है कि जैसे पापा को अब हम ठीक कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब बाबा की डेथ होती है तो एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। आज के एपिसोड का जो डायरेक्शन की मिस्टेक थी मुझे वो बहुत बड़ी नज़र आई, वो ये कि भैया आपने देखा कि जब समीरा के साथ ज़्यादती हुई तो सभी फैमिली मेम्बर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, बड़ी कमाल की एक्टिंग थी। यहाँ पर ये जो ड्रामा हिट हुआ है ना, वो अपने इमोशनल सीन्स की वजह से, थोड़ा सा कह लो कि रोने धोने की वजह से मशहूर हुआ। वो जो रोने धोने वाली एक्टिंग थी, वो जो इमोशनल सीन को इन लोगों को कैश करना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिस टाइम समीरा के बाप की डेथ हुई। और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया, एक इमोशनल फैक्टर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग था। समीरा का भी कोई खास रिएक्शन नहीं था यहाँ पर, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी ठंडा दिखाया गया कि जैसे मतलब को खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को गुस्से में बहुत दिखाया इन लोगों ने, लेकिन बाप की डेथ के बाद जो एक इमोशनल, जो थ्रिलिंग सीन होना चाहिए था मेरे ख्याल से वो मिसिंग था। आप लोगों को क्या लगता है कि भैया ऐसा कोई सीन होना चाहिए था या नहीं, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, यहाँ पर हम बात करते हैं सलमान करेक्टर की, क्योंकि स्टार्ट में इसको समीरा के साथ काफ़ी अटैच दिखाया गया था और ये शो कराया गया था कि जैसे उसको काफ़ी लव है, लेकिन अब वो पिंकी के साथ काइंड ऑफ एडजस्ट हो गया, उसके साथ काफ़ी खुश है और उससे ऐसा लगता है कि मतलब अब वो बड़ी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आप जितनी मर्जी रिजिड पर्सनालिटी रखते हो, जितना मर्जी सख्त दिल है आपका, आप बिल्कुल भी किसी को तकलीफ़ दे के खुश नहीं रह सकते। इवेंचुअली आपको इस ड्रामे में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, सलमान ग्रेजुअली इस चीज़ को सोचेगा कि उसने बहुत गलत किया समीरा के साथ। ठीक है, उसके साथ भी जो हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो उसने किया वो उससे भी ज़्यादा गलत था। यहाँ पर उसने कंटिन्यूसली उसकी फैमिली को तकलीफ़ दी, उसका बाप इस दुनिया से चला गया, उसने उसको डिवोर्स तक दे दी। तो मतलब एंड में आपको यही दिखाया जाएगा कि जिस टाइम हमज़ा आएगा वरदा को लेने और उसे अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, तो बाद में सलमान के दिल में भी ये बात जागेगी कि मुझे एटलीस्ट माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। और अब देखना ये है कि लास्ट एपिसोड में क्या समीरा सलमान को माफ़ करेगी या नहीं, क्योंकि जिस लड़की ने अपने बाप को माफ़ नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि एक मोमेंट में हाथ पकड़ के रखना चाहिए था, तो यहाँ पर सलमान ने तो काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की है, काफ़ी इसके ऊपर हाथ उठाया है, इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं किया और मुश्किल वक्त में सबसे बढ़ के इसको डिवोर्स दे दी। तो क्या आपको लगता है कि समीरा सलमान को माफ़ करेगी या नहीं, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरा इस बारे में क्या ओपिनियन है, इसके लिए आपको अगले रिव्यू का इंतज़ार करना होगा। अच्छा यार, इस ड्रामे का एक बहुत बड़ा टॉक्सन ये भी है कि आपको वरदा के ऊपर जैसे जुल्म करते हुए दिखाया जा रहा है ना, मैंने लास्ट रिव्यू में ये बात रेस की थी कि मतलब ऐसा नहीं होता यार। एक इंसान अगर बहुत अच्छा हो तो एक एजुकेटेड फैमिली किसी भी लड़की को ऐसे ट्रीट नहीं करती। हर छोटी बड़ी बात के ऊपर वरदा के ऊपर आ जाती है बंदूक के, भैया तुमने ऐसा किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, जबकि नज़र आ रहा है कि वो लड़की सारे अच्छे काम कर रही है। मैं पर्सनली इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता, रियलिटी में शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ इस ड्रामे को देख रही हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो कि क्या कंटिन्यूसली कोई एक इंसान बहुत अच्छा हो और किसी एजुकेटेड फैमिली के अंदर रह रहा हो, वहाँ पर भी क्या उसके साथ इतने ज़्यादा जुल्म होते हैं। मतलब एक अनपढ़ जाहिल फैमिली का तो पता है ना हमें कि उनके पास तालीम की कमी होती है, वो इतना जुल्म नहीं करते लड़कियों के ऊपर, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ी लिखी फैमिली की और एक लड़की बहुत अच्छे से चल रही है आपके साथ, हर तरह से आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, तो क्या फिर भी आगे से ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं? आप लोगों के क्या है फीडबैक इस बारे में, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, मैंने आप लोगों से पूछना था कि ARY डिजिटल का आजकल कौन सा ऐसा ड्रामा जा रहा है जो आप समझते हो कि सबसे बेहतरीन है, मतलब आजकल मेरे पास तुम्हों के ख़त्म होने के बाद ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसको आप शौक से देख रहे हो और जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हक रुसवाई और झूठी ड्रामा जो चल रहा है, मतलब टॉप हिट ड्रामे तो मेरे ख्याल से शायद यही हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे बेहतरीन ड्रामा कौन सा है, या आने वाला इनका ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसका आपको बहुत ही बेताबी से इंतज़ार है? मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ARY डिजिटल के जितने भी ड्रामे होते हैं उनके रिव्यूज़ मेरी हाई प्रायोरिटी होते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा देखना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल मामला थोड़ा सा उल्ट हो गया, आजकल लोगों का मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरी ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग दीवानगी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब, क्रिस्प और एक ऐसा ड्रामा है जिसकी एपिसोड्स का आपको हमेशा इंतज़ार होता है।
आप लोगों को क्या लगता है कि भैया एआरवाई डिजिटल का ऐसा कौन सा ड्रामा है, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चली गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।